हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एके मौर्य। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में कैसे बीमारियों से दूर रहकर बढ़ाएं बुजुर्गों की इम्यूनिटी। आइए बात करते हैं इस पर। फ्रेंड्स, बुढ़ापे में शरीर बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगता है और शरीर के सारे भाग और बॉडी पूरी कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है, सहनशीलता कम हो जाती है, स्फूर्ति की कमी होती है और रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और 40 एबव होने पर आपको बुढ़ापे के लक्षण या उम्र का ढलान दिखने लगता है, जैसे कि आपको महसूस होगा कि आपको बूढ़ा महसूस होने लगेगा, स्किन कमज़ोर होने लगती है और सेल्स बॉडी के कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस आने लगी है बॉडी में। और साथ ही उम्र बढ़ने के साथ लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, कोशिकाओं की आयु बढ़ती है तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती जैसे यंग होने लगते करती थी, सेल डेड होने लगती हैं धीरे धीरे, तो उस ऑर्गन के काम में कमज़ोरी आने लगती है, हमारी सुनने की क्षमता कम होती है, देखने की और बॉडी में चोट लगने की और नींद की और ऊर्जा स्तर और भूख में भी बदलाव होने लगता है। जैसे कि अमेरिका में 40 एबव के लोगों को युवा महसूस होना बंद हो जाता है और 50 एबव के लोग अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। वृद्धावस्था में केवल उम्र ही नहीं, बहुत सारी और भी दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे आप रिटायरमेंट के बाद आप अपने परिजनों को खो चुके होते हैं, फ्रेंड्स या दोस्तों को, कई लोगों को, और कई बार अकेलापन, बेकार और वीकनेस और उदासी महसूस होने से आप स्वाभिमान भी खो सकते हैं, क्योंकि सेल डेथ होने लगती है बॉडी के ऑर्गन्स की, तो इसलिए उसमें भी वीकनेस आने लगती है। कई बार आपके ऊपर इतने सारे टेस्ट होते हैं, कीमोथेरेपी या और कुछ टेस्टेज, एक्सरे वगैरह, जिसकी वजह से सेल्स कमज़ोर और वीकनेस होने लगती हैं। बुढ़ापा जब शरीर में आता है तो जो आपका मस्कुलर सिस्टम है वो भी कमज़ोर दिखाई देने लगता है और आँखों, कानों में और बॉडी के पार्ट्स में भी कमज़ोरी आने लगती है, हाथ पैर में सुन्नता और कमज़ोरी आने लगती है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे 30+ होने के बाद गिरावट शरीर में शुरू हो जाती है, जो समय के साथ आपको दिखाई देती है। साथ ही टेस्टिस है, अंडाशय है, लीवर है, गुर्दे हैं, जो कि उनकी सेल जो होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, इस वजह से ये ऑर्गन भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते और इनकी भी वर्किंग में कमी आती है। और साथ ही आपकी बॉडी में सहनशीलता है, क्रियाशीलता है, इसमें भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है बॉडी की और कोई भी संक्रामक रोग का इन्फेक्शन जल्दी होने की संभावना रहती है। लेडीज़ों में मासिक धर्म बंद हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन में लोच ख़त्म हो जाता है, ड्राई होने लगती है, और मेल्स में गंजापन, कुबड़ापन आदि जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसी वजह से वृद्धावस्था में कई तरह की कठिनाइयों और परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, जिसकी वजह से कई बार फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं उसकी वजह से भी आपको वीकनेस आने लगती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जैसे बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा ये खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंज होता है तो बॉडी उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती चीज़ों को, तो इसलिए उसमें बुज़ुर्गों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, केयर बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो, और इन टिप्स को फॉलो करके आपकी इम्यूनिटी, और अगर आप अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रख रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। जैसे सबसे पहली चीज़ है, समय पर वैक्सीनेशन कराएं, जैसे अगर किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन आपको हो रहा है, लगता है तो डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करें, समय पर अपना चेकअप कराते रहें, कोई भी चीज़ की कोई बीमारी है जिसका खतरा है तो उसका अगर वैक्सीनेशन कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं तो आप उसको ज़रूर लगवाएं, और कोई भी ट्रीटमेंट अगर है तो वो ज़रूर लें। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर मौसमी फल, सब्जियाँ अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अब मौसम ठंडक का आने वाला है तो गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करें जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लें, ज़रूरत से ज़्यादा खाने पे भी
ज़ोर ना दें क्योंकि उसको हज़म करने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, अक्सर सर्दियों में हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है, तो इसलिए नेचुरल रूप से पानी पीते रहें जिससे बॉडी से डिटॉक्स होती रहें और जो डिटॉक्सिफाई एलिमेंट हैं वो बॉडी से निकलते रहें जिससे बॉडी में एक्टिवनेस बनी रहे और इम्यूनिटी बनी रहे। मौसम में हल्की ठंडक आने से आपको नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल ठंडे पानी से ना नहाएं क्योंकि उससे आपको सर्दी या जुकाम हो सकता है, क्योंकि मौसम में बदलाव से शरीर में बीमारियों का बढ़ावा भी तेज़ हो जाता है। इसलिए थोड़ा लेट नहाने की कोशिश करें अगर आपको जल्दी कहीं नहीं जाना है, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहे और बीमारियों का खतरा भी कम रहे। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करते रहें क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बॉडी जाम हो जाएगी, और आपको एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, उससे बॉडी में मांसपेशियों में मजबूती बनी रहती है और स्टिफनेस नहीं आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही जैसे ही घर से हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टहलने जा सकते हैं, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे सब्जी लेना या मार्केट जाना है तो वो भी अच्छा है, बागवानी कर सकते हैं, घर में टहल सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, पेट्स को घुमा सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या मूवमेंट एक्टिविटी बॉडी में बनाए रखें, ये बहुत फ़ायदा करती है। साथ ही अगर आप दवाओं का सेवन करते हैं तो अपनी दवाएं नियमित रूप से लेते रहें, अगर आपको डायबिटीज़ है या शुगर के अलावा हार्ट की कोई दिक्कत है या हार्ट की कोई दवा चलती है या अन्य कोई भी दवा चलती है तो उसको टाइम टू टाइम लेते रहें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, और घर पे एक इमरजेंसी किट बनाए रखें जिसमें आपकी सारी दवाएं मौजूद हों जिसको आप टाइम टू टाइम इनटेक कर सकें। आप जिस भी कमरे में रहते हैं उस कमरे के तापमान को ध्यान रखें, उसके कमरे का तापमान मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे शरीर में ठंडी हवा लगने का भी खतरा कम रहेगा और जिसकी वजह से संक्रामक रोग सर्दी खांसी जुकाम आपको होने से सेफ रहेंगे, और साथ ही शरीर को खुद को भी गर्म बनाए रखें। कई बार आपको कमरे से बाहर निकलना है, अंदर बाहर कहीं जाना है, वॉक करना है, तो भी गर्म कपड़े पहने या अंदर से स्किन वगैरह पहन लें जिसकी वजह से आपको ठंड ना लगे, या सुबह शाम मौसम में ठंडक है तो आप उसके हिसाब से कपड़े पहन के निकलें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंडक है सुबह शाम मौसम में, तो अगर आप कपड़े ऐसे नहीं पहनते तो आपको ठंड लगने का खतरा है। साथ ही अपनी स्किन का ध्यान रखें, सर्दियों में सर्द हवाओं की वजह से स्किन रूखी और बेजान होने लगती है, और उसका केयर रखें और स्किन फटने लगती है जिससे जलन और खुजली भी समस्या हो सकती है, तो उसको स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना ना भूलें धूप में निकलें, क्योंकि धूप इस मौसम में तेज़ रहती है दोपहर की, तो अपनी स्किन का ध्यान रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें क्योंकि उसकी वजह से भी स्किन में ड्राइनेस आने लगती है। बीमारियों में सेहत का ध्यान और ज़्यादा केयरफुली रखें, अगर आपको कोई डायबिटीज़ है टाइप 1 या टाइप 2 है या कैंसर है या हार्ट है की कोई डिजीज़ है या हाई बीपी है तो आप उसकी दवा टाइम टू टाइम लेते रहें और रोज़ डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें आफ्टर कुछ दिनों में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी डोज बढ़ जाए या घट जाए, और नींद पर्याप्त मात्रा में लेते रहें क्योंकि बिना नींद लिए आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या मोटापा या डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और रेगुलर समय पर डाइट लें और निश्चित सही डाइट लें, 8 से 9 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको लें पर्याप्त मात्रा में डेली। इस मौसम में कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से थोड़ा परहेज़ करें क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों को मौसम चेंज की वजह से इन्फेक्शन होता है, हर एज में बच्चे बड़े बूढ़े, तो उससे आपको इन्फेक्शन लगने का खतरा है, इसलिए सर्दी जुकाम है या बुखार है तो इसलिए संक्रमण की चपेट से बचने का प्रयास करें और इम्यूनिटी को बनाए रखें बॉडी में, और ये बहुत सेफ्टी है आपके लिए बदलते हुए मौसम के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और साथ ही आप अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें या अगर आप खुद इस एज में हैं तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू।